सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप से यूएसबी के थ्रू अपने मोबाइल में कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से अपने मोबाइल में टाइप कर पाएंगे। एंड गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप वाईफाई के थ्रू इस चीज़ को कर सकते थे, तो ये उसका अल्टरनेटिव है। सो गाइस, हम सकते हैं एंड यू आर वाचिंग ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में ADB ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस, अगर आपके कंप्यूटर में ADB ऑलरेडी इंस्टॉल है तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे ADB एंड एंटर प्रेस करेंगे। सो यहां से आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका ADB ड्राइवर इंस्टॉल है। एंड गाइस, अगर आपका ये नहीं शो होता है ADB टाइप करने पर, तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह टाइप होके आ जाएगा, ADB is not recognized as internal or external command। सो कुछ इस तरह से आपको टाइप होते हुए दिख जाएगा। तो सिंपली मैं इस वीडियो में बताऊंगा पहले कि आप ADB ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ से मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे SDK प्लेटफॉर्म टूल्स। तो ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे टाइप करेंगे SDK प्लेटफॉर्म टूल्स। एंड गाइस, सर्च करने के बाद यहाँ पे जो हमारा पहला लिंक ओपन होगा, सिंपली हम उस पर क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद ये हमें एक नए पेज में ले जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी हम इसको स्क्रॉल करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस हो रहे हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स। तो यहाँ पे हमें विंडोज़ वर्जन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे हम एंड यहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे। नहीं, हमारा अभी एक सेव का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ से हम फाइल का लोकेशन देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। आई मीन आप इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा समय लगेगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है, हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे यहीं पे। एंड गाइस, इसे एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको इस फाइल को कॉपी करना है एंड इसे सी में आपको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली ये हमारा जो फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो गया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। अब इस फाइल को मैं सी ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा, आई मीन कॉपी करके। तो पेस्ट करने के बाद सिंपली गाइस, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फाइल है ये हमारा पेस्ट हो गया है, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। एंड गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं ADB शो रहा। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको रन भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा इसका एड्रेस है, पाथ है इसका, जो इसको हम यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके। एंड गाइस, आपको क्लोज करना है, देन आपको करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल को ओपन करना है। तो इसके लिए आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं एंड कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज एंड यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट दिखेगा पाथ, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड एडिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करके ओके कर देना है एंड यहाँ से ओके करके अप्लाई करके आपको क्लोज कर देना है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड गाइस, हमारा जो ADB ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड गाइस, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने इसमें अगेन इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया है। तो सिंपली ADB इंस्टॉल हो जाने के बाद कमांड को ओपन करेंगे एंड यहाँ से अपने मोबाइल को भी ओपन करेंगे एंड वहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। वाईफाई कीबोर्ड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिंपली इसको ओपन करेंगे। एंड गाइस, ओपन करने के बाद आपको कमांड में टाइप करना है, यहाँ पे जो आपको नीचे शो कर रहा है, अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ USB केबल टू कनेक्ट योर कंप्यूटर। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है ADB फॉरवर्ड TCP कॉलन 4x7 अगेन TCP कॉलन 4x7। सो गाइस, इसको टाइप करने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो गाइस, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरह ये शो हो रहा है। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया है एंड गाइस, यहाँ पे अभी मेरा दे रहा है डिमांड नॉट रनिंग स्टार्टेड नाउ एट TCP। सो यहाँ पे अभी मेरा ADP.exe एरर नो डिवाइस एमुलेटर फाउंड। तो गाइस, ये मेरा डिवाइस अभी कनेक्टेड नहीं है मेरे मोबाइल से, तो अभी मैं अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ एंड अगेन इसमें मैं टाइप करके इसको सर्च करता हूँ। तो मैं अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया, मैंने इसको अगेन टाइप किया
एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लोकल होस्ट है वो कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस इसके बाद मैं किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ से अपने मोबाइल में जो मेरा मोबाइल है वहाँ पे मुझे नीचे एक ऑप्शन हो रहा है http://localhost:4x7। सो सिंपली यहाँ पे आपको ये जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है एंड टाइप करने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे टाइप कर देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। सो गाइस एंटर प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा वाईफाई कीबोर्ड एंड गाइस इसमें नेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस हमारा जो है वो नॉट कनेक्टेड है, आई मीन नॉट टाइपिंग। तो सिंपली हम यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जहाँ पे हमें टाइप करना है एंड गाइस इसमें पहले सेटिंग करना होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा अपने सेटिंग को ओपन करूँगा एंड वहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होता है लैंग्वेज एंड कीबोर्ड का। एंड गाइस अगर आपने इसका पहला वीडियो देखा तो आपको पता होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इस ऑप्शन को ओपन करूँगा एंड यहाँ से जो हमारा वाईफाई कीबोर्ड है उसे मैं इनेबल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे इनेबल कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ से मैं बैक आऊँगा एंड गाइस मैं जाऊँगा अपने किसी भी नोटपैड में जहाँ पे मुझे टाइप करना है एंड यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करके कीबोर्ड वाईफाई कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा वाईफाई मेथड। तो यहाँ पे अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। तो रिफ्रेश कर लिया मैंने, कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ये मेरा यहाँ पे मोबाइल पे टाइप हो रहा है। सो गाइस कुछ इस तरह से आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, USB के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड गाइस वाईफाई से कैसे चलेगा इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो उस पर बना रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर से या किसी भी लैपटॉप से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपने उस कीबोर्ड से अपने मोबाइल को बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। एंड गाइस मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है एंड मोबाइल को भी कैसे ऑपरेट करते हैं इसको भी बताया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड गाइस इस वीडियो में आपको जितना भी बताया गया अगर आपको कुछ भी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस टुडे इन दिस वीडियो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।